हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हेल्पर स्टार में। आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा। तो चलिए हम यहाँ बनाना शुरू करते हैं पोहा। ये पोहा मैंने यहाँ आधा किलो लिया है, ये 5 से 6 लोगों के लिए है। और यहाँ एक बारीक कटी प्याज ले लिया है, 2 टमाटर लिए हैं, 10 से 12 कड़ी पत्ता के ले लिए हैं। टमाटर हम बाद में बारीक काट कर ऐड करेंगे। तो ये 1 चम्मच जीरा लिया है और 1/2 चम्मच राई लिया है। और ये 10 से 12 हरी मिर्च लिया है, जो कि बड़ी बड़ी साइज़ में काटा है, ताकि जिनको नहीं खाना है वो अपना हरी मिर्च निकाल सकें। और ये 50 ग्राम तक मूंगफली के दाने हैं। और ये हमने 2 मीडियम साइज के आलू बारीक काट लिए हैं। और ये हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ाया है, जिसमें 1 चम्मच हमने तेल डाला है। अब यहाँ हमने बारीक कटी हुई अपनी प्याज डाल दिया है। और फिर इस प्याज को थोड़ा होने देंगे। उसके बाद हमने जीरा, सरसों के दाने जो हमने राई लिया था उसे डाल दिया है। फिर जो हमने कड़ी पत्ता 10 से 12 लिया था उसे डाल दिया। और ये हमारी हरी मिर्च है। आप चाहें तो इससे बारीक 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 काट कर भी डाल सकते हैं हरी मिर्च। यहाँ हमने बड़ी बड़ी डाला हुआ है। अब इसे थोड़ा हो जाने देंगे। उसके बाद हम उसमें जो हमने 50 ग्राम मूंगफली के दाने लिए हैं उसे डाल देंगे। अब इसे तब तक होने देंगे जब तक हमारे मूंगफली के दाने चटकने ना लगे। अगर हमारे दाने चटकने लगेंगे तो समझ जाना हमारी मूंगफली हो चुकी है। तो उसके बाद हम उसमें तो ये हमारी मूंगफली यहाँ हो चुकी है। अब इसमें हम जो हमने 2 मीडियम साइज के आलू काट के रखे थे उसको डाल देंगे। और उधर हम अपना पोहा धुल कर रख देंगे। जब तक हमारे आलू होंगे हमारा पोहा अच्छी तरह से फूल जाएंगे। ये हमने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। अब इसे अच्छी तरह मिला देंगे। और यहाँ हमने जो 2 टमाटर लिए थे उसे बारीक काट लिया है। अब जब हमारे थोड़े आलू हो जाएंगे, ये देखिए हमारे आलू हो चुके हैं फ्रेंड, तब इसमें हम तो यहाँ हमने जो पोहा धुल कर रखा है ये देखिए अच्छी तरह से फूल गया है। तो अब यहाँ हम नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। थोड़ा ही नमक डालेंगे क्योंकि हम वहाँ ऊपर से पोहा में भी नमक डालेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ हमने 2 टमाटर बारीक काट कर डाल दिए हैं। ये देखिए 1/2 चम्मच यहाँ भी हम नमक डाल रहे हैं। और इसे हम हाथ की मदद से मिला देंगे। तो ये अब टमाटर डालने के बाद अब इसे थोड़ा पकाएंगे। उसके बाद हमने जो पोहा धुल कर रखा था उसे डाल देंगे। तो अपने यहाँ अपना पोहा पूरा डाल चुके हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिला दें। ये जो हमने पोहा तैयार किया है ये 5 से 6 लोगों के लिए है। तो आप सुबह नाश्ते में ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बना कर देखें और खाएं और बताएं आपको कैसा लगा। तो यहाँ हमारा पोहा बनके तैयार है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर घर पर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएं आपको कैसी लगी। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।